स्टेट की जनता से वादा किया था कि हम तेलंगाना जेल को वर्ल्ड क्लास का बनाएंगे। आज 3 साल बाद जब बाहर के सभी अधिकारी और बड़े बड़े डेलीगेशन के लोग आ रहे हैं तो तेलंगाना जेल की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये भी घोषणा की थी कि अगर कोई भी आदमी तेलंगाना जेल के किसी अधिकारी पर भी अपना आरोप सिद्ध कर देगा तो उसको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पिछले 6 महीने में इस तरह के 2 आरोप आए हैं जिसमें पाया गया है कि वो कुछ सही प्रतीत होते हैं, इसलिए 1 आरोप का 5,000 रुपया हम लोग इनाम दे रहे हैं और दूसरे आरोप के लिए 2,500 रुपया जो कंप्लेंट है उनको हम लोग इनाम दे रहे हैं हमारे शाखा पर आरोप लगाकर उसको सिद्ध करने के लिए। इस तरह से हमने पूरे देश में तेलंगाना राष्ट्र जेल शाखा एक ऐसी अकेली शाखा है जो अनीति रहित अभी हुई है। अगले आने वाले समय में हम लोग इस साल में 29 पेट्रोल पंप्स का जगह आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहां हम लोग पेट्रोल पंप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें करीब 750 लोगों को हम लोग नौकरी देंगे। जो रिलीज प्रिजनर्स हैं उनके लिए हम लोग नौकरी देंगे। तीसरा एक प्रोग्राम हम लोगों ने ये शुरू किया है कि नॉर्वे में लोग जहाँ जेल खाली हो रहे हैं वो अपना जेल दूसरे देशों को रेंट पर दे रहे हैं। तेलंगाना जेल में भी हमारे पास करीब 6,848 की एकोमोडेशन कैपेसिटी है, लेकिन हमारे विद्यादानम, महापरिवर्तन, जॉब स्कीम, अनिति रहित शाखा, ये सब प्रोग्राम के चलते हमारे यहाँ कैदियों की संख्या घटकर 6,000 हो गई है। हम आशा करते हैं कि अगले 1 साल में ये घटकर और 5,000 हो जाएगी, तो हम 2,000 जो हमारी जगह है वो तिहाड़ जेल को और पंजाब को और उत्तर प्रदेश को रेंट पर दे के एक प्रिजनर पर 10,000 रुपये के हिसाब से चार्ज करेंगे और साल भर में हम लोग 24 करोड़ रुपये तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए अर्जित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का और तीसरा प्रोग्राम है कि जो जो भी अनाथालय हैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनका बढ़िया से केयर नहीं हो रहा है और बाद में क्रिमिनल हो जा रहे हैं, तो इन सभी अनाथालय पर हम लोग पुलिस और प्रोबेशन ऑफिसर्स की मदद से निगाह रखेंगे और जो लोग किसी भी अनाथालय को मदद करना चाहते हैं उनको अच्छे अच्छे अनाथालय को उनके साथ लिंक करेंगे। जैसे जो कंपनी मदद करना चाहती है और जो अच्छे अनाथालय है, इस तरह से जितने सारे बच्चे हैं उसमें से कोई भी क्रिमिनल ना बने इसकी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि तेलंगाना जेल को हमें इंडस्ट्रियल सेंटर, एजुकेशनल सेंटर और जॉब एम्प्लॉयमेंट जॉब जनरेशन सेंटर के रूप में परिवर्तित करना है और इस तरह से जेल खाली करके जेल का पूरा जो स्कोप एंड नेचर है उसी को ही बदल देना है। और तेलंगाना जेल आज 3 साल के बाद हर क्षेत्रों में एक वन ऑफ द बेस्ट प्रिजन्स इन द वर्ल्ड के रूप में माना जा सकता है। थैंक यू सर।